जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में हुई, लेकिन हम सभी ने अपने अपने घरों को भी सजाया, पूजा की, अर्चना की, और हमने भी यहाँ पर अपने घर को सजाया हुआ है। छोटा सा मॉडल भी मंगवाया। फिलहाल अयोध्या के मुझे यहीं से दर्शन करने हैं। जब भगवान राम बुलाएंगे तो मैं उनके पास भी ज़रूर आऊँगी। और हमारी बिल्डिंग की महिलाओं ने मिल करके आज भजन कीर्तन रखा, हम सभी को बहुत खुशी हुई। हमने अपने दरवाजे पर ही मन आनंद विभोर हो गया। भगवान सभी को सुखी रखें, स्वस्थ रखें और उन्हीं के आदर्शों पर चलने की सभी को प्रेरणा मिलती रहे। हर घर में श्री राम विराजें। और हम लोग भक्ति भजन में लीन हो गए। पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा। एक एक करके सभी की बारी नाच गाना की आती रही। और हमारी ये वाली फ्रेंड, इनके तो जॉइंट में काफ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये अपना दर्द भूल कर खूब ठुमके लगा रही हैं और बहुत ही आज आनंद महसूस कर रही हैं। सारी सहेलियाँ मिलजुल कर भजन गा रही हैं। सबकी एक एक करके बारी आती जा रही है ठुमका लगाने की। तो कुछ का तो रिकॉर्डिंग हो पाया, कुछ का नहीं हो पाया। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, बहुत ही अच्छा लगा। पता नहीं चला कब समय बीत गया, सारी सखियों से एक साथ मिलने का मौका मिल गया और राम जी की कृपा से माहौल इतना अच्छा, इतना सरस बन गया कि मन आनंदित हो गया। लोग अपने अपने सारी तकलीफें भूल गए, कुछ समय के लिए सिर्फ राम नाम में मगन हो गए। इसके बाद में आई नाश्ते की बारी। हमने सभी सखियों को नाश्ता वितरित किया, उनको सम्मान किया। उसके बाद में हम लोग आरती की तरफ आगे बढ़े। आरती संपूर्ण होने के बाद हम लोगों ने प्रसाद वितरित किया। सभी सखियों ने प्रेम से भगवान के भोग को ग्रहण किया, अपने अपने घर को हर्ष उल्लास के साथ गई। उसके बाद में कुछ लोगों ने मिलकर हमारे बिल्डिंग में दीपक जलाए। मैं और मेरी कुछ सहेलियां, बच्चे, सब लोगों ने मिलकर के बिल्डिंग को सजाया, रात का दीपदान किया। ज़्यादातर सखियां अपने घर चली गई, उनको अपने भी घरों में दीपक जलाने थे। तो इस तरह से हमने पूरा राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह मनाया। हमने घर से ही मनाया और हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। राम जी सभी को आशीर्वाद देते रहें। हम सभी देशवासी प्रेम पूर्वक एक दूसरे के भाई बहन बनकर आपस में अपना समय इसी तरह से बिताएं, प्रेम से, हर्ष से, उल्लास से एक दूसरे के त्योहारों में शरीक हों और इसी तरह से शांतिपूर्वक जीवन चलता रहे। तो सियावर रामचंद्र की जय।